ओके नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर पॉइंट सोर्स दिस 29th of December 2020 विद मी। रोज सुबह 8 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं। जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट कीजिएगा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको कहूँगा, अगर आप मेरे कंटेंट को डेली फॉलो करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट 90% मार्क्स इन योर करंट अफेयर सेक्शन। अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम या फिर कोई भी और कम्पिटेटिव एग्जाम एक्सेप्ट दी UPSC सिविल सर्विस देने जा रहे हैं, तो आप इस करंट अफेयर्स पे पूरा का पूरा भरोसा कर सकते हैं। राइट, 29th दिसंबर 2020 की बात करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, @KCart पर लिखेंगे, आपको वहां पर सारी PDFs ऑल मिल जाएंगी। ओके, @KCart पर सर्च करेंगे, 44K सब्सक्राइबर वाला चैनल ही ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको PDFs मिलेंगे। राइट, 29th दिसंबर 2020, इस क्लास के तुरंत बाद एक MCQ का सेशन रहता है, उस MCQ सेशन को जरूर अटेंड किया कीजिए डेली बेसिस पर। आपको कहीं से भी और MCQs करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे करंट अफेयर्स के MCQs इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं, अगर एक न्यूज में से 10 MCQs बनते हैं तो मैं 10 करवाता हूँ, जबकि आपको बाकी सभी जगह पर जहाँ से भी आप MCQs कर रहे होंगे या किसी से अटेंड कर रहे होंगे, वहाँ पर एक न्यूज में से एक MCQ ही मिलेगा। बट यहाँ पर पूरा पूरा निचोड़ दिया जाता है उस न्यूज को और अच्छे से MCQ कराए जाते हैं। सो फोकस कीजिए एक ही सोर्स पे, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहें। बट जब रिविजन करेंगे, मंथली रिविजन करते हैं या फिर एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं, तब यू आर फ्री टू टेक द MCQs फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट। ओके, बट अभी फिलहाल आप एक पर फोकस कीजिए, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, प्रैक्टिकली बोलो इतना टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, तो इसलिए फोकस कीजिए एक सोर्स पे, उसको अच्छे से रिलीजियसली अटेंड कीजिए। और जब आप रिवीजन की बात करते हैं, मंथली रिवीजन की बात करते हैं या फिर आप जब एग्जाम से पहले रिवीजन की बात करते हैं, तब आप MCQ के लिए दूसरी साइट्स को फॉलो कर सकते हैं साथ में मेरे। ओके, बट फिलहाल फोकस ऑन दी वन, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड गेट द मैक्सिमम स्कोर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक को पिन किया है, ध्यान दे दिया होगा आपने, कमेंट सेक्शन में एक लिंक को पिन किया है, उस लिंक को जरूर एनरोल कर लीजिएगा। आज रात को 8:30 बजे एक आपका फ्री में मॉक टेस्ट में लेने वाला हूँ, क्वांट सेक्शन का सेक्शनल मॉक टेस्ट लूंगा। 35 क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे फॉर अपकमिंग SBFPO प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, SBFPO प्रीलिम्स जो एग्जाम होने वाला है, उसकी एक प्रिपरेशन के लिए आपका फ्री लाइव मॉक टेस्ट मैं लूंगा। क्लिक कीजिएगा, एनरोल कीजिएगा, रात को 8:30 बजे आना मत भूलिएगा। पहली न्यूज हमारे सामने आई है एंड जो कि है रिलेटेड टू द इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एंड ये एग्रीमेंट है रिलेटेड टू द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर से रिलेटेड इंडिया एंड द जापान दोनों ने मिलकर ये एक एग्रीमेंट साइन किया है एंड ये एग्रीमेंट बेसिकली इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ जापान, इन दोनों ने आपका एक दूसरे के साथ साइन किया, जहां पर मौजूद थे प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एंड शिगेरो तनाका जो कि वाइस मिनिस्टर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स जापान के। यहाँ पर दोनों देशों ने आपस में क्वालिटी क्वांटिटी स्टील प्रोडक्शन को उसको इम्प्रूव करने का उसको बूस्ट करने की बात की गई है। अगर मैं स्टील प्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर इंडिया और जापान दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं ओवरऑल पूरे दुनिया में और चाइना पहले स्थान पर है। स्टील प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्टील प्रोडक्शन में नंबर वन पे कौन है, नंबर वन पे है आपका चाइना, फर्स्ट पे है चाइना और उसके बाद इंडिया एंड जापान इज ऑन दी सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलास्ते एंड द जापान की बात करें तो योशीहिदे सुगा एंड द जापानीज येन करेंसी है, टिकर कैपिटल वहां की टोक्यो है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इंडिया एड्स लद्दाख सो कार लेक कॉम्प्लेक्स टू लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। ओके, अगेन वन अनदर रामसर साइट इज देयर एंड हाल ही में हमने देखा था कुछ रामसर साइट्स इंक्लूड की गई थी नवंबर में, सूर सरोवर लेक आगरा उत्तर प्रदेश में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, इसको 40th एंड 41st रामसर साइट्स इंक्लूड किया गया था। बट यहां पर अब 42nd साइट भी यहां पर सामने आई है, दैट इज अंडर द रामसर साइट्स एंड ये आपकी आई है लद्दाख की चांगथंग रीजन में सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को आपका 42nd साइट रामसर साइट इंडिया की डिक्लेयर किया गया है एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं ग्लोबल लेवल पे तो दिस इज द 2443 दैट इज
2443rd कहां पर है? चांगथांग रीजन लद्दाख में ये आपकी सिचुएटेड है। इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक है स्टार्चपोक्सो और जो कि एक लेक है, एंड दूसरा आपका सोकर जो कि हाइपर सैलिन लेक है। ओके, सो ये फ्रेश वाटर लेक है एंड दिस इज द हाइपर सैलिन लेक है। ये दोनों के दोनों इसी का पार्ट है, दो पार्ट्स में, दो वाटर बॉडीज में आपका ये पूरा का पूरा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स डिवाइड किया जाता है। सोकर का मतलब क्या है? सोकर का यहां पर मतलब है व्हाइट सोल्ट एफोलरेसेंस ऑन मार्जिन ऑफ द लेक कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ द सलाइन वाटर्स। ओके, सो यहां पर ये सोकर का मतलब आपका सलाइन वाटर से है, आपका जो नमक वहां पर बनता है सो उससे है यहां पर आपका। और ये 9,570 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है पूरा। एंड सो मोरी ऑन 2002, ये मैंने बताया आपको दूसरी लद्दाख की साइट है ये आपकी। तो इसका मतलब लद्दाख में पहली साइट कौन सी थी जो कि 2002 में डिक्लेयर की गई थी, उसका नाम था सो मोरीरी और लेक मोरीरी और माउंटेन लेक इसको कहते हैं, जो कि फर्स्ट साइट थी लद्दाख में जिसको रामसर कन्वेंशन का दर्जा गया, रामसर कन्वेंशन में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन अब इसमें से बहुत सारे बन रहे हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन तो सिंपल एज इट इज कि हाल ही में लद्दाख में कौन सी साइट को आपका शामिल किया गया है, या 42nd साइट कौन सी बनी है तो नाम आ जाएगा उसका, या फिर पूछेंगे कौन से नंबर ऑफ साइट्स हाल ही में बनाई गई है 42nd साइट, इससे पहले दो कौन सी बनी थी उनके दोनों के नाम ये आपके इस पैराग्राफ में लिखे हैं, हमने किए भी थे नवंबर की न्यूज में। अगला, ये कौन सा ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं। दो वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो लद्दाख में पहला कौन सा बनेगा, पहला कौन सा था 2002 में था ये आपका, ये उसका नाम था लद्दाख की पहली रामसर साइट का। उम्मीद करता हूं रामसर साइट के बारे में आपको पता होगा, जो लोग नए हैं उनको बता दूं रामसर साइट या फिर एक कह सकते हैं रामसर कन्वेंशन के तहत ये डिक्लेयर किया जाता है रामसर साइट्स, कुछ ऐसी साइट्स, कुछ ऐसी एरियाज या फिर कह सकते हैं वेटलैंड्स लाइक द दलदल जिसको हम कहते हैं सरल भाषा में, ये ऐसी एक जगह होती है जहां पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे वहां पर उगते हैं और ग्रो करते हैं, उनका एक अलग कह सकते हैं एक अलग ओरिजिन है, इस सभी जीव जंतु पेड़ पौधों का यहाँ पर उगने का एक अलग वे होता है, अलग जगह होती है। सो ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पूरी दुनिया में वेटलैंड्स हैं जहाँ पर ये अलग अलग तरीके के फ्लोरा एंड फौना आपके ग्रो होते हैं, राइट। उनमें से एक का आपका वेटलैंड्स भी हैं, ओके, और इन वेटलैंड्स को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए ताकि जो भी फ्लोरा एंड फौना इन पर डिपेंड करते हैं वो भी बच सके। ओके, सो ये आपका बेसिकली इसीलिए इसके एक रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था 1971, रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पर ये साइन किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे पूरे दुनिया में वेटलैंड्स को इनके अंडर शामिल किया गया ताकि इनकी प्रिजर्वेशन, इनकी कंजर्वेशन को देखा जा सके। इनको यहाँ पर एक ऑब्वियस अगर लिस्ट में कोई चीज शामिल होगी तो ऑब्वियस है उस चीज का ख्याल रखा जा सकता है, ठीक है, उस चीज का ख्याल रखा जा सकता है। आप शॉपिंग की लिस्ट बनाकर चलते हैं तो घर से जो शॉपिंग की लिस्ट बना के चलेंगे वो चीजें तो लेंगे, अगर कोई लिस्ट के बाहर चीज रह गई तो भूल जाएंगे, राइट। सो ये चीज सेम उसी तर्ज पर की गई है, लिस्ट में शामिल किया गया तो एक उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एक उसका ख्याल रखने का एक वे बदल जाता है। रामसर कन्वेंशन फिलहाल सेक्रेटरी जनरल मार्था रोजास ओरेगो है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटरीट है। नेक्स्ट चीज चलते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन टू यूज द EOTT सिस्टम इन इंडिया। EOTT क्या है? EOTT है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। ओके, सो ये है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम, ये है आपका पहला रेलवे जोन बना है, पहला रेलवे जोन बना है कौन सा? ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे आपका बना है पहला रेलवे जोन जहां पर एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम को यूज किया गया है। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम क्या है? ये है आपका ट्रेन का एंड, ट्रेन का एंड जहां पर आपके कुछ गार्ड्स को अपॉइंट किया जाता है जिसमें ब्रेक्स लगी होती है, इमरजेंसी ब्रेक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर इंस्टॉल होती हैं। आपने देखा होगा ट्रेन पे लास्ट एक डिब्बा होता है जिसमें गार्ड बैठा होता है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपने शोले मूवी जरूर देखी होगी जिसमें जय और वीरू लड़ते हैं लास्ट डिब्बे पे बैठकर और लास्ट डिब्बे में जाकर आपके, और बहुत सारी मूवीज में जब एक भाई दूसरे भाई से बिछड़ जाता है और वो ट्रेन के पीछे भागता है और वो लास्ट बोगी में बैठा होता है उसका भाई, और पीछे पीछे छोटा भाई भागता रहता है और आखिरकार जाकर पटरी से गिर जाता है और वो लोग बिछड़ जाते हैं, ठीक है। सो एक हिंदी मूवीज, टिपिकल हिंदी मूवीज जो पुरानी थी उनमें होता है, और वो फिर बड़े होकर एक पुलिस बन जाता है एक चोर बन जाता है और वो दोनों मुलाकात करते हैं, पुलिस चोर, ओके, और फिर आखिर में वो विलेन को
मारने में चोर जो है वो उसका भाई वो उसकी मदद करता है और वो उसको बचा लेता है, और फिर चोर भाई को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। और जो पुलिस वाला होता है उसको फिर मेडल मिलता है, और उसकी माँ जो कि हमेशा विधवा दिखाई जाती है वो बड़ी खुश होती है, और अपनी जो दूसरा बेटा है जो चोर है उसकी फोटो जिसपे हार चढ़ा होता है उसके आगे जाकर दोनों एक गले मिलते हैं, और वहीं पर मूवी दी एंड हो जाती है। ये एक टिपिकल हिंदी मूवी आप सभी को मालूम होगा। सो यहाँ पर ये फर्स्ट रेलवे जोन थोड़ा बह गया था मैं इमोशंस में। सो एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम, ये है आपका जो लास्ट, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब अगर एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम ई और टीटी इंस्टॉल कर दिया तो वहां पर किसी भी तरह गार्ड्स या ब्रेक वैन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रहेगा। सो मेन पर्पज ऑफ दिस डिवाइस टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द लोकोमोटिव पायलट, जो आपका पायलट पायलट मतलब जो ट्रेन को चलाता है, एंड द लास्ट वैगन ऑफ द ट्रेन, जो लास्ट डिब्बा जिसकी बात कर रहे हैं। ट्रेन इज रनिंग ऑल द कोचेज एंड वैगन्स एज अ सिंगल यूनिट। ओके, लास्ट डिब्बा और फर्स्ट डिब्बा दोनों, और बीच में आपके डब्बे वे डब्बा जो ट्रेन के डब्बे हैं, ठीक है। ओके, सो ये आपका डब्बे वे डब्बा, एंड द इलेक्ट्रिक लोको शेड अंगुल इन ओडिशा कमीशन एंड टेस्टेड दिस EOTT। ओके, सो ये आपका अंगुल ओडिशा में इसको यहाँ पर टेस्ट किया गया है। फील्ड ट्रायल्स और डिवाइस वर कंडक्टेड ऑन अ फ्राइट ट्रेन रनिंग बिटवीन द तलचार ओडिशा एंड द पारादीप ओडिशा। ओके, सो ये आपका फील्ड ट्रायल इन दोनों जगहों के बीच में ये किया गया, ट्रेन को चलाया गया, एंड ये आपका 100 करोड़ रुपीज इस पे खर्च किया जाएगा, जिसमें 10 डिवाइसेस आपके एक बार खरीदे गए हैं फ्रॉम द USA एंड द साउथ अफ्रीका ट्रायल पर्पज से, और इसके अलावा 1000 सच डिवाइसेज यहाँ पे अब्रोड से खरीदे जाएंगे। एंड बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी जो है इसने ऑर्डर किया है 250 EOTT डिवाइसेज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जो कि फ्राइट ट्रेन में लगाए जाएंगे। मीन्स इसमें किसी तरह की गार्ड्स की जरूरत नहीं है, लास्ट में आपका किसी गार्ड नहीं बैठा होगा लालटेन लेकर, ये जस्ट अपने आप चलेगी, अपने आप इसका ब्रेक सिस्टम काम करेगा, ऑटोमेटिक रहेगा इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, या किसी भी तरह की और भी अनहोनी कोई भी घटना, वो आपका एक ऑटोमेटिक ये काम करने जा रहा है। सो यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, कौन सा कोस्ट रेलवे, EOTT का फुल नेम अच्छे से याद रख लीजिएगा, कौन सी जगह से कौन सी जगह पे ट्रायल हुआ था, ये दोनों जगह का नाम पूछ सकते हैं, एंड किसने आपका इसको टेस्ट किया, इलेक्ट्रिक लोको शेड अंगुल ओडिशा ने इसको टेस्ट किया है, कहां से प्रोक्यूर किए जाएंगे यूएस से साउथ अफ्रीका से, कितने करोड़ रुपीज में, 100 करोड़ रुपए में कितने डिवाइसेस, 10 डिवाइसेस, 1000 ऐसे डिवाइसेस किए जाएंगे टोटल, और फिलहाल 250 डिवाइसेस आपके साउथ अफ्रीका से किसने खरीदे हैं, बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी ने आपका ऑर्डर दिया है इनको। ओके, ऑर्डर दिया है, फिलहाल आपके 10 डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा यहां पर साउथ अफ्रीका से वाराणसी के द्वारा 250 खरीदे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 51st राउंड ऑफ द 5-डे डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन। सो यहां पर आपके जो डायरेक्टर जनरल DG हैं उन बॉर्डर दोनों देशों, दो देश कौन से हैं, BSF एंड द बांग्लादेश, BSF एंड बांग्लादेश के यहाँ पर डीजी लेवल के लोगों के बीच में यहाँ पर मुलाकात हुई। BSF के DG राकेश अस्थाना वहां पर मौजूद थे, और BGB के DG आपके मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम वहां पर मौजूद थे। इन दोनों के बीच में बातचीत की गई, दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया गया। ये आपकी एक 51st आपकी मीटिंग हुई है दोनों देशों के बीच में, BSF एंड BGB के बीच में। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना का नाम ये पूछा जा सकता है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द BSF, द राइट आंसर विल बी राकेश अस्थाना, ये याद रख लीजिएगा। एंड इससे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां से निकल आती है, 51st है तो फर्स्ट किसके बीच में हुआ था, फर्स्ट 1975 में BSF DG अश्विनी कुमार थे, एंड BJP के DG का खैर नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से, बट हमारे इंडिया का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अश्विनी कुमार जी पहले BSF DG थे जिन्होंने पहली मीटिंग दोनों देशों के बीच में अटेंड की थी, और ये मीटिंग आपकी कोलकाता में आयोजित की गई थी, ये आपकी गुवाहाटी में हुई। हाँ, वन मोर थिंग, द प्लेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द गुवाहाटी, इट्स इन द गुवाहाटी, पहली बार गुवाहाटी में हुई है आपकी, और दिस हैज बीन अटेंडेड बाय द डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज सेट टू बिल्ड इन द राउरकेला ओडिशा। सो यहाँ पर ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अनाउंस किया है कि इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर, राउरकेला में आपका बनाने की बात की, जिसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की कैपेसिटी रहेगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो आपका मैंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 में, उसी का ये पार्ट रहेगा, यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, और ये आपका बिल्ड किया जा रहा है
बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में, 15 एकड़, 20,000 सीट्स एंड सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका, एंड फ्रॉम वेयर मैनी हॉकी लेजेंड्स लाइक द कैप्टन दिलीप टिर्की एंड द सुनीता लाकरा जहां से आए थे। करंट इंडियन मैन हॉकी टीम की बात करें तो 4th स्थान पर है इंडियन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, अभी हाल ही में इसकी रैंकिंग आई थी, उम्मीद करता हूं आपको रैंकिंग याद होगी, हमने कुछ दिन पहले इसको किया था। इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहां पर आएगा, पहला क्वेश्चन, कितनी कैपेसिटी है, 20,000 की कैपेसिटी है, यहां पर कौन से कैंपस में, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। 4th स्थान पर है इंडिया की मैंस हॉकी टीम की रैंकिंग। थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज स्वच्छता अभियान। मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान यहां पर लॉन्च किया, मोबाइल ऐप है आपकी ये, और ये बेसिकली ऐसे इनसैनिटरी लैटरिंस एंड द मैनुअल स्क्वेंजर्स को आपका यहाँ पर चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना, जियो टैग करना कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, ताकि उनको यहाँ पर चेंज किया जा सके और यहाँ पर जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है जो आपकी उसको कम किया जा सके। ओके, सो ये आपके पब्लिक को कहा गया है कि आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप उसकी डिटेल्स को आप इसमें ऐप में अपलोड कीजिए और दीज विल बी रिप्लेस, दीज इनसैनिटरी लैटरिंस विल बी रिप्लेस विद सैनिटरी लैटरिंस एंड मैनुअल स्क्वेंजर्स विल बी रीहैबिलिटेड to provide dignity of life. Okay, so ये manual scrunching भी बंद की जाएगी इसी से, और manual scrunching की बात करेंगे आपका बिल्कुल prohibited है, किसके तहत, prohibition of employment as manual scrungers and their rehabilitation act 2013 के तहत ये बिल्कुल और बिल्कुल आपकी ban है, prohibit है, right? Exam point से question, अभी हाल ही में for identifying and geotagging the data of the sanitary latrines and the manual scrunching क्या app launch की गया, app का नाम क्या है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान उस app का नाम है, किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई ने कैंसिल किया लाइसेंस ऑफ द महाराष्ट्र बेस्ड सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पावर्स को यूज किया और ये पावर्स आपकी सेक्शन 20 और सब सेक्शन 4 के तहत आपकी डिफाइन है, जो कि बीआर एक्ट 1949 में मेंशन है। ओके, बीआर एक्ट 1949 में सेक्शन 2020 के तहत ये आपका मेंशन है एंड वाज कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 24 दिसंबर 2020। ओके, 24 दिसंबर 2020 से आपका ये किसी भी तरह का बैंकिंग का कार्य नहीं कर पाएगा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, और बेसिकली ये इसलिए नहीं किया गया कि उनके पास फंड्स नहीं है, दे हैव द इनफ फंड्स, बट कुछ ऐसी चीजें जो आपके वो बैंक के इंटरेस्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं कर रहे थे उस वजह से कुछ ऐसे नॉर्म्स जो फॉलो नहीं करते आरबीआई के, उस वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। और एक और चीज इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 5B आपका यहाँ पर कहता है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक की बैन कर दिया गया है यहाँ पर बैंकिंग की किसी भी एक्टिविटी से, एंड एज पर दिस 5B सुभद्रा लोकल एरिया बैंक एंड फॉर द एडिशनल बिजनेस एक्टिविटीज अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द बीआर एक्ट। सो यहाँ पर 3 सेक्शन दे रखे हैं, पहला सेक्शन दे रखा है सेक्शन 22(4), ये दे रखा है आरबीआई की पावर है, सेक्शन 22(4) के तहत आरबीआई की पावर है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफाइन है कि वो किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये तो सेक्शन हुआ आरबीआई से रिलेटेड। ठीक है, बाकी एक सेक्शन है सेक्शन 5 और सेक्शन 6, इसमें क्या कहा गया, इसमें आपका वो बिजनेस और बैंकिंग जो है उसको बैन किया गया है, बैंकिंग के बिजनेस को बैन किया जाता है आपका सेक्शन 5B एंड सेक्शन 6 के तहत। ये आपका दोनों सेक्शन का एक महत्व होता है, राइट? सो ये आपका एग्जाम पॉइंट है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, एग्जाम में पूछ सकते हैं अभी हाल ही में दिसंबर में किसका कैंसिल किया गया, राइट आंसर सुभद्रा लोकल एरिया बैंक रहेगा। नेक्स्ट एक जीडीपी के आंकड़े आए हैं। सो यहाँ पर जीडीपी के आंकड़े काफी कंफ्यूजन करने वाले हो रहे हैं आजकल, क्योंकि रोज डेली बेसिस में हम देख रहे हैं कि एक जीडीपी का आंकड़ा आ रहा है। तो सबसे पहले जीडीपी आंकड़े को एक पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि आपके एग्जाम में इससे पहले, अगर आपका एग्जाम से पहले अगर कोई जीडीपी का आंकड़ा आता है तो आपको वही पढ़ना है। फिलहाल आपको ये एक रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और एग्जाम से पहले अगर फिर से चेंज होता है तो आपको वही करना है। Got it. आपको ये नहीं करना है, फिर ये आपके null and void हो जाएंगे। So India Ratings and Research, इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में आपका IndRA ने, that is India Ratings and Research ने अपने previous projection GDP को यहाँ पर revise किया है। और moreover GDP से related questions आ भी नहीं रहे। हमने काफी साल में जब
मुझे लग नहीं रहा 1.5-2 सालों से जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया। 1 साल का तो मुझे याद ही है, मुझे जहाँ तक याद है 1.5-1.5 साल तो एटलीस्ट हो गया होगा जहाँ पर जीडीपी का प्रोजेक्शन का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। सो रिवाइज इज प्रीवियस प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिकवरी, ये आपका इन्होंने 7.5% इन्होंने कहा है आफ्टर 23.9% कॉन्ट्रेक्शन जो क्वार्टर वन में हुआ था, अब इन्होंने कहा क्वार्टर टू में 7.5, और इंडिया इंडरा ने इसको रिवाइज किया है फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, होल फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने 7.8 माइनस 7.8 प्रोजेक्शन दिया, जबकि अर्लियर ये 11.8 इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था, अब 7.8। इससे पहले आप देख रहे हैं ये हमने पिछले दिनों में पढ़े थे, आरबीआई एडीबी फिच एंड दी अदर्स ने ये आपके लोअर किया था इतना इतना प्रोजेक्शन, ये सारों के मैंने कंसोलिडेटेड दिए हैं, कुछ के आरबीआई का दे दिया, एडीबी का दे दिया एंड दी फिच का दे दिया, इन्होंने भी अपना लोअर किया था प्रोजेक्शन अभी हाल ही। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रशांत प्रभंकरन, प्रशांत प्रभंकरन ये आपके एमडी एंड सीईओ यस सिक्योरिटीज के, यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के यहां पर बनाए गए एमडी एंड सीईओ ये हैं प्रशांत प्रभंकरन इनका नाम है एंड ये आपके एमडी एंड सीईओ बने हैं, ये आपका उनका विकास दावरा इनको ज्वाइंट एमडी एंड सीईओ भी बनाएंगे, इसके साथ विकास दावरा भी अर्लियर अलोंग विद प्रशांत प्रभाकरन ये विकास दावरा भी सर्व कर चुके हैं एज दी एमडी एंड सीईओ, अब ये यहाँ पर बनाए गए हैं एमडी एंड सीईओ दी यस सिक्योरिटीज, इनको पूरा का पूरा मतलब कि इनको होली पूरा चार्ज दे दिएगा, पहले ज्वाइंट में थे मतलब 2% थे, अब इनको पूरा चार्ज दे दिएगा प्रशांत प्रभाकरन को। यस सिक्योरिटीज की बात करें हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, 2013 में एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम, रोमानिया के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया न्यू लिबरल गवर्नमेंट फ्लोरेंस सीटू। ओके सो यहां पर फ्लोरेंस सीटू बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, किसके? रोमानिया के, रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके कौन? दैट इज फ्लोरेंस सीटू, पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है चुके हैं आपके रोमानिया के, इनको यहाँ पर फरवरी 2020 में डेजिग्नेट किया गया था बट यहाँ पर फाइनल ऑफिशियल मोहर लगाई है वहाँ के पार्लियामेंट ने, वहाँ के इलेक्शंस हुए थे और ये आपके इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के, सेंट्रल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के भी रह चुके हैं 2003 से 2005 में, सेनेटर रह चुके हैं 2016 में एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं आपकी इस सरकार में यहाँ पर रोमानिया में। सो फ्लोरेंस सीटू डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम फ्लोरेंस सीटू है। ओके फ्लोरेंस सीटू, क्लोस इहोनिस यहां के प्रेसिडेंट है, कैपिटल बुचारेस्ट है, रोमानियन लीव वहां की करेंसी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर सेल किया है इस 64.4 यहां पर स्टेक इन द सीबीएचएफएल, सीबीएचएफएल में यहाँ पर उन्होंने जितना भी स्टेक था यानी कि पूरा का पूरा जो स्टेक था सीबीएचएफएल क्या है, सीबीएचएफएल है सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड। सो सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में आप देख सकते हैं सेंट का मतलब यहाँ पर सेंट्रल बैंक से ही है, इनका एक होम फाइनेंस का एक यूनिट था। होम फाइनेंस क्या होता है? होम फाइनेंस होता है ऐसी एक संस्था, एक एनबीएफसी, एक ऐसी प्राइवेट संस्था जो कि आपके हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराती है। सो सेंट्रल बैंक का इसमें 64.4% स्टेक था जो कि अब सेंट्रल बैंक ने पूरा का पूरा सेल कर दिया है आपका सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस को। सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसको यहां पर इन्होंने सेल किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इसमें किसी भी तरह का हिस्सा नहीं बचा है, 160 करोड़ रुपए में ये आपका हिस्सा बेच दिया गया है यहां पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड का। ये एक आपकी फाइनेंसिंग मॉर्टगेज कंपनी थी, फाइनेंसिंग वही लोन देती थी आपकी, हाउसिंग लोन देती थी, मॉर्टगेज कंपनी थी। मॉर्टगेज ऑब्वियस है, जब हाउस लोन करते हैं तो मॉर्टगेज किया जाता है उसके हाउस को, मॉर्टगेज का मतलब होता है यहां पर जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको बैंक में गिरवी रखना। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक में अगर गिरवी रखा जाता है तो उस मैकेनिज्म को हम मॉर्टगेज कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें और होती है, लाइक द हाइपोथेकेशन इज देयर, मॉर्टगेज इज देयर, लीन इज देयर, प्लेज इज देयर, ओके असाइनमेंट इज देयर। सो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग चीजों पे अलग अलग डेफिनेशन लगती है यहाँ पर। लाइक द अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो हाइपोथेकेशन लगता है, अगर इमूवेबल को रखते हैं तो आपका मॉर्टगेज होता है। इसी तरह से लीन भी है, प्लेज भी है। फिर बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू करूंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा वन मोर थिंग बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास का भी बता दूं मैं क्या करने वाला हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस क्लास आपकी एसबीआई क्लर्क का आप एग्जाम दे आइए, ठीक है। एसबीआई क्लर्क का जब एग्जाम देकर एसबीआई पीओ का एग्जाम दे आइए, एसबीआई पीओ का जब एग्जाम देकर लौटेंगे तो उसके बाद मैं आपकी 3 क्लासेस लूंगा, 3 क्लासेस विल बी देयर एंड ईच क्लास विल बी ऑफ ऑन द वीकेंड्स, सैटरडे संडे को क्लास होगी आपकी, एक दिन होगी,
3 दिन होंगी आपकी वो क्लासेस, और वो क्लासेस सुबह से शाम चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, और उसमें मैं आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कराऊंगा। मतलब पहली क्लास में आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस करा दूंगा, दूसरे में कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट करवा दूंगा, तीसरे में इकोनॉमिक अवेयरनेस करा दूंगा सारी की सारी। तो 3 क्लास में पूरा पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा आपकी उन बड़ी बड़ी क्लासेज में। तो एक तो इसमें फायदा होगा, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस कर चुके हैं उनकी रिविजन हो जाएगी मेन्स एग्जाम से पहले, ठीक है। सेकंड उनको फायदा होगा, किनको फायदा होगा, सेकंड उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं की, तो उनकी एक साथ में ही बैंकिंग अवेयरनेस में करा दूंगा, उसके बाद वो जैसे भी उनको सही लगे उसको कर सकते हैं। और मोर ओवर मेरे अकॉर्डिंग मैं बैंकिंग अवेयरनेस इस तरह से बढ़ाता हूँ, उसको इवन रिवाइज करने की कई बार मतलब इमीजिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ठीक है, 2-3 महीने बाद आप पढ़ने जा रहे हो तो रिवाइज कीजिए, बट इमीजिएट आपको सारी चीज़ें घुस जाती है। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट मंथ जनवरी में करने वाला हूँ, जो भी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास का वेट कर रहे हैं, सो अभी वेट मत कीजिए, अभी SBI PO पे फोकस कीजिए। आई एम गोइंग टू डू दिस, ओके। सो दोज विल the 3 classes, the long sessions on the weekends. We will be doing the banking awareness, financial awareness and the economic awareness. 3 classes, 3 Sundays or 3 Saturdays, or I will be completing that before 20th. 20th से पहले मैं करा दूंगा, 20th जनवरी से, ताकि आपके पास सफिशियंट टाइम बच जाए। तो दोनों को फायदा होगा, और ये सेशंस YouTube पे रहेंगे, YouTube पे रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। There will be nothing. Okay, I will be telling you at the timing and the dates. After SBI PO exam. So it is a financing and mortgage company jointly promoted by the 4 public sector institutions. Okay, so this is the news. Central Bank. SBI Life Insurance Company has acquired 38 lakh equity shares or 8.99% equity stake in non-banking finance company Paisalo Digital. Okay, Paisalo Digital में यहाँ पर invest किया जाएगा, 8.99% stake यहाँ पर acquire कर रहा है SBI Life Insurance, and इन्होंने acquire कर लिया है 489.99 रुपीस में एक share. Okay, so ये आपका Paisalo जो है, ये एक online एक digital platform है जो कि loan provide करता है individuals को, SME, that is small and medium enterprises, MSME, micro small मीडियम एंटरप्राइजेस, आपके जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को, ये आपके 129 ब्रांचेस है Paisalo Digital, 8.99% स्टेक SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये पूछा जा सकता है किसने किसका स्टेक खरीदा, कितने परसेंटेज स्टेक खरीदा, एंड दिस इज अबाउट द Paisalo, के Paisalo के बारे में लिखा हुआ है, एंड समथिंग अबाउट द लाइफ के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, FIFA ने कैंसिल किया मैंस 2021 Under-20 एंड Under-17 वर्ल्ड कप ड्यू टू COVID-19। सो FIFA ने अनाउंस किया कैंसिलेशन ऑफ 2 मैंस टूर्नामेंट, दैट इज 2021 FIFA Under-20 वर्ल्ड कप एंड FIFA 2021 Under-17 वर्ल्ड कप। ये आपका इन्होंने कैंसिल ही कर दिया है। इसके अलावा 2023 में इंडोनेशिया में होगा आपका Under-20 एंड Under-17 पेरू में 2023 में होगा, ये आपका किया गया है। यही आपके इंडोनेशिया एंड पेरू ही 2021 एडिशन के आपके होस्ट थे, इनको 2023 में ही इनको होस्ट किया बनाया गया है, 2023 में ये आपका होगा। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 में भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 32 टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, ताकि वीमेंस फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। एंड होस्ट ऑफ 2023 वीमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगे इस टूर्नामेंट के लिए। जो भी होस्ट रहेगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाला है ये आपका 2023 वीमेंस वर्ल्ड कप। एंड फीफा रैंकिंग की बात करें, अभी हाल ही में हमने इसको पढ़ा था, लेटेस्ट हमने कुछ दिन पहले ही देखा था इसको, यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग एंड दी वीमेंस रैंकिंग, राइट। सो एग्जाम पढ़ने से इंडोनेशिया पेरू 2023 याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। 2023 वीमेंस वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, ये पूछा जा सकता है। एंड दिस इज अबाउट दी रैंकिंग, ये एवरी मंथ रैंकिंग आती है, तो उम्मीद करता हूँ आपके मेन्स एग्जाम नेक्स्ट मंथ से पहले भी एक रैंकिंग आएगी, तो वही कर लीजिएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा सेशन आपको मेरा। बस इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ। एंड अगर आप मॉक टेस्ट को सर्च कर रहे हैं, एक बेस्ट क्वालिटी का मॉक टेस्ट सर्च कर रहे हैं, और अगर आप ट्रस्ट करते हैं, तो यू कैन गो फॉर आवर मॉक टेस्ट सीरीज। स्टडी नीति ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, प्री मेंस बायलैंग्वल टेस्ट सीरीज इज देयर, ऐप में भी अवेलेबल है, वेबसाइट में अवेलेबल है। जस्ट 500 रुपीज़ में आपका पूरे पूरे एक साल का मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, और कहीं भी आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एग्जाम लेवल के, जो आप बोलते हो उस टाइप के यहाँ पर मॉक टेस्ट है। अगर रिव्यूज़ पढ़ने हो तो टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए। खैर, मेरा वहाँ पर फ्री प्रैक्टिस मटेरियल भी वहाँ पर अपडेट होता है, मेरी करंट अवेयर्स भी वहाँ पर अपडेट होती है। कईयों को मोबाइल पर पढ़ने की आदत है ऐप के थ्रू, तो वो पढ़ सकते हैं मेरी करंट अवेयर्स एज इट इज़, जो पढ़ाता हूँ वही कंटेंट वहाँ पर जाता है आपका। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ढूंढ रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो।
एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम एमसीक्यू क्लास में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग नए जुड़े हैं, कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन किया है, आज रात को 8:30 बजे आपको एक पूरा पूरा मॉक टेस्ट, एक पूरा पूरा मॉक टेस्ट आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। 35 questions विल बी देयर ऑफ द क्वांट, लाइव टेस्ट रहेगा बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं पिछले दिनों से, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आज भी रहेगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं आज जरूर जुड़िएगा, पूरा पूरा एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, आधे घंटे का एक सेशंस होंगे मैक्सिमम, और उसमें ही आपको ही सॉल्व करने हैं, आप ही उसको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें एज ए लाइव टेस्ट के फॉर्म में। आइएगा जरूर 8:30 बजे, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ ऊपर, क्लिक करके एनरोल कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली रात को 8:30 बजे। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, एमसीक्यू क्लास में पहुंचते हैं। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ। जापान एंड इंडिया के बीच में एक स्टील सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंडिया के में लद्दाख के सो कार लेक कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर शामिल किया गया रामसर साइट्स में, 42nd साइट बनी है आपके, लद्दाख की दूसरी रामसर साइट बनी है, पूरे ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे 243rd वेबसाइट बनी है यहाँ पर, ये साइट बनी है रामसर कन्वेंशन एंड सो कार, ये इससे पहले यहाँ पर सो मोरीरी और द लेक मोरीरी और माउंटेन लेक आपके पहली साइट बनी थी लद्दाख में टू गेट द रामसर रिकॉग्निशन। एंड सो सरोवर लेक आगरा एंड लूनर लेक हाल ही में इसको 40th एंड 41st रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे बना है पहला रेलवे जोन जहां पर EOTT सिस्टम यूज किया जाएगा एंड एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम इसके, ये कहां पर इलेक्ट्रिक लोको शेड अंगुल ओडिशा में किया गया इसको टेस्ट, तलचर से पारादीप में ट्रेन चलाई गई थी एंड साउथ अफ्रीका एंड US से आपके परचेज किए जाएंगे। 51st राउंड DG लेवल की यहाँ पर इंडिया की तरफ से डायरेक्टर जनरल BSF राकेश अस्थाना ने अटेंड किया और पहली बार 1975 में हुई थी जिसको DG अश्विनी कुमार ने अटेंड किया था, ये इस बार पहली बार गुवाहाटी में हुई है। इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में यहाँ पर 20,000 लोगों की कैपेसिटी से आपका किया जाएगा, जो 2023 में मैंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है उसी की प्लानिंग को लेकर यह एस्टेब्लिश किया जा रहा है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में। थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को और इसके तहत आपका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक इनको जियो टैग करने के लिए, मींस टैगिंग करने के लिए, लोकेशन को ट्रैक करने के लिए एंड टू कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू द सैनिटरी लैटरिंस एंड द मैनुअल स्क्वेंजर, ताकि उनको तब्दील किया जा सके आपका सैनिटरी लैटरिंस में और मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद किया जा सके। RBI कैंसल लाइसेंस और महाराष्ट्र बेस्ड सुभद्रा लोकल एरिया बैंक Section 22(4) के तहत अपनी पावर को यूज करते हुए RBI ने इसका लाइसेंस कैंसिल किया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आपका रिवाइज किया है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फाइनेंशियल ईयर 21 जो अभी समाप्त होगा आपका मार्च 2021 में, उसमें 7.8% से आपके GDP ग्रोथ कम होगी, अर्लियर ये प्रोजेक्शन 11.8 था कॉन्ट्रैक्शन का माइनस का। प्रशांत प्रभाकरन ज्वाइंट MD एंड CEO यस सिक्योरिटीज के, इनको एक्सक्लूसिव MD एंड CEO बना दिया गया है, विकास दावरा इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे बट अब ये एक्सक्लूसिव प्रशांत प्रभाकरन ज्वाइंट MD CEO यस सिक्योरिटीज। फ्लोरिन सीतू बने हैं आपके नए प्राइम मिनिस्टर रोमानिया के। सेंट्रल बैंक ने अपना 64.4% हिस्सा CBHFL में बेच दिया है सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस को 160 करोड़ में। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 8.99% स्टेक खरीदा है पैसा लो डिजिटल में। फीफा ने कैंसिल किया मैच 2021 Under-20 and Under-17 वर्ल्ड कप ड्यू टू COVID-19 और ये इंडोनेशिया पेरू में ही 2023 में आयोजित किया जाएगा। दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन, चलिए जल्दी से MC क्लास में आ जाइए, स्विच कीजिए, टेक केयर, बाय बाय, सी MC क्लास।